मशहूर वेनेस्ट्रॉम केस का फैसला आखिर आज आ ही गया। पेश इसे जर्नलिस्ट और मिलेनियम मैगजीन के पब्लिशर मिकेल ब्लॉमक्विस्ट के खिलाफ मशहूर फाइनेंसर हैंस एरिक वेनेस्ट्रॉम ने कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगाए थे। पिछले साल मिकेल ने वेनेस्ट्रॉम पर लगभग 60 मिलियन क्रोनर हमारे खिलाफ लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हमने उन पर केस किया है। हमेशा ही लोगों की जी हाँ, उन्हें सजा मिलेगी। सपोर्टर्स का ये मानना है कि उनके जैसे आदर्श वाले लोग आजकल जर्नलिज्म में बहुत कम बचे हैं, पर अफसोस ये माना जा रहा है कि आज का दिन उनके इस लंबी और सफल करियर का आखिरी दिन हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबर हम आपको देते रहेंगे। फैसला सुनाती है। क्या आपको लगता है कि आप केस जीत पाएंगे? ब्लॉमक्विस्ट जैसे लोगों को हमें रोकना होगा। अब मैं उनके पिछले आरोपों पर भी फिर से जांच करूंगा। कुछ खास दोस्त और साथियों को काफी नुकसान पहुंचा है और हम इसकी भरपाई करेंगे। आप लोग हटिए ऐसे, प्लीज इनको जाने दीजिए। मिस्टर ब्लॉमक्विस्ट, क्या आप पर जो आरोप लगे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? दोषी ठहराया गया है। मिस्टर ब्लॉमक्विस्ट, क्या आप हमारे एक सवाल का जवाब देंगे? मिस्टर ब्लॉमक्विस्ट, अब तक हाँ भाई, अपने अपने ग्लासेस हाउ एवरीवन, मैरी क्रिसमस, चीयर्स, चीयर्स। तो हम अपील के बारे में क्या सोच रहे हैं? मिकेल, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, एडवर्टाइजर्स का भरोसा उठता जा रहा है। अपील लॉन्च करने से हम उनका भरोसा जीत नहीं जाएंगे। लेकिन इसे हमारे रीडर्स को कॉन्फिडेंस में रखने में आसानी होगी। मैंने फैसला कर लिया है। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, मिलेनियम मैं मिलेनियम के बारे में सोचकर ही फैसला ले रहा हूँ। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, पर मेरे हिसाब से जब तक ये परेशानी खत्म नहीं हो जाती, मिकेल को मिलेनियम सर्कुलेशन से वॉलेंटरली सस्पेंड हो जाना चाहिए। आखिर मिलेनियम के फ्यूचर का सवाल है। मेरी क्रिसमस। मिकेल सुनो तो सही, वो सब इस वक्त बहुत परेशान हैं। जाने अकेला था जिसमें सच बोलने का दम था। मेरी हार से मिलेनियम पर भी असर पड़ रहा है। मिकेल, इसका कोई तो हल होगा ना, हमें सोचना होगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं कुछ भी करूंगा उसका सीधा मतलब लोग वेनेस्ट्रॉम से निकालेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। यह हमारी कंपनी की पॉलिसी है। हम आमतौर पर क्लाइंट को अपने रिसर्चर्स से मिलवाते नहीं, पर आपके केस में ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। हमें आपसे कोऑपरेशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक और बात कहने थी कि लिजबेथ की दिमागी हालत थोड़ी नाजुक है। तो नाजुक है क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बस उसके अपियरेंस पे मत जाना, वो हमारी बेस्ट रिसर्चर है। गुड मॉर्निंग लिजबेथ। गुड मॉर्निंग, मैं फ्रोडे हूँ।
प्लीज। उसकी ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, बैंक स्टेटमेंट्स, काफी डिटेल्स हैं। तुम्हारे पास ये सब आई कहां से? इससे आपको क्या मतलब है? आपने जो मांगा आपको मिल गया? लिस्बेथ, तुम मुझे ब्लूमक्विस्ट के बारे में और क्या बता सकती हो? रिपोर्ट में सब कुछ है। मुझे सुनना अच्छा लगेगा। मिखेल ब्लूमक्विस्ट या काली ब्लूमक्विस्ट, ये नाम उसे तब मिला जब 80s में उसने बैंक रॉबरीज के बारे में कुछ खुलासे किए थे। तब से वो एक पब्लिक फिगर बन गया है। डिटेल में जानना है तो रिपोर्ट्स पढ़ लेना जो आपके सामने है। लेकिन उसके कुछ अपने राज भी तो हो सकते हैं। हम सबके राज होते हैं। तो तुम ये तो जानती होगी कि पूरा मिलेनियम उसकी वजह से डूबने के कगार पे है। तो उसकी आर्थिक हालत कैसी है? मैंने कहा ना, रिपोर्ट में सब कुछ है, खुद देख लीजिए। सालानदर, क्या आप श्योर हैं कि आप और कुछ नहीं बताना चाहेंगी? कोई ऐसी चीज जो रिपोर्ट बनाते वक्त आपके दिमाग में आई हो पर रिपोर्ट में डालना भूल गई हो? वेनस्ट्रॉम की पूरी बात मुझे बकवास लगती है। बकवास? तो इसके पीछे भी कुछ राज हो सकते? मुझे ब्लूम के इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा गया था, और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ लिस्बेथ, फिर भी मुझे तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। ब्लूमक्विस्ट निर्दोष है। उस पर एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने तक का आरोप नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वेनस्ट्रॉम के खिलाफ उसने कोई साजिश की होगी, बल्कि किसी ने उसकी बैंड बजाई है। अपना केस लेके मेरे पास क्यों नहीं आए? इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा लॉयर कौन है कौन नहीं। पड़ता है, मैंने ट्रायल रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। अब तो जान गई ना मैं तुम्हें इसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तुमने मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, इस बात का गुस्सा नहीं है मुझे। गुस्सा तो इस बात का है कि तुमने मेरी राय तक नहीं ली। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ मेरी फैमिली भी सफर करे, सीधी सी बात है। तो तुम जेल कब जा रहे हो? जनी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मीट बॉल्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमारी उंगलियां गीली हों। देखो, और अब मीट को हाथों में रोल करते करते एक बॉल बनाओ इस तरह। क्या तुम मेरा फोन निकालोगे प्लीज? हेलो, दिस इज मिकेल ब्लूमक्विस्ट स्पीकिंग। इधर दो। हेलो, मिकेल स्पीकिंग। मिकेल ब्लूमक्विस्ट? हाँ, बोल रहा हूँ। ये लो शिरक। आप कौन बोल रहे? मेरा नाम तेज फ्रॉडे है। मैं एक लॉयर हूँ और मेरे क्लाइंट आपसे बात करना चाहते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, कोई जरूरी बात? मेरे क्लाइंट आपसे पर्सनली मिलकर बात करना चाहते हैं। ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिलेनियम में फोन करके टाइम फिक्स कर लीजिएगा। मुझे ये नहीं, मेरे क्लाइंट बुजुर्ग हैं, वो सफर नहीं कर पाएंगे। आपके क्लाइंट कौन है? हेनरिक वेंगर। हेनरिक वेंगर? वेंगर ग्रुप के मालिक? जी हाँ, और वो आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। देखिए, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपकी छुट्टियों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। मिकाल ब्लूमक्विस्ट। हेनरिक हेडे आइलैंड पर ही रहते हैं, हेडस्टेड से कुछ किलोमीटर दूर। आइलैंड पर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये ब्रिज। एक वक्त था जब स्वीडिश ट्रेडिंग इंडस्ट्री यहाँ आती जाती रहती थी, पर अब यहाँ सिर्फ हेनरिक है और उसकी हाउसकीपर एना। मैं कभी कभी आ जाता हूँ। यहाँ आने के लिए शुक्रिया मिकेल। दरअसल फ्रॉडे ने फोन ही कुछ ऐसे किया कि मुझे आना ही पड़ा। लंबा सफर करके आया हो, पहले लंच करना चाहोगे? थैंक्स, पर सीधे काम की बात करें, शाम की ट्रेन से लौटना है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं। तुम इसे पहचानते हो?
हैरियट, हैरियट वैंगर, मेरे भाई गॉडफ्रेड की बेटी। तुम एक बार इससे मिल चुके हो। ये लेडी, तुम्हारे पिता 1965 में मेरे लिए काम करते थे। वो हेड स्टेट की हमारी एक दुकान में मैकेनिस्ट थे और हमारे ही एक आउट हाउस में रहते थे। तुम्हारी माँ और तुम उनसे मिलने हर हफ्ते आते थे। तुम्हें यहां बहुत अच्छा लगता था। हैरियट तुम्हारे साथ खेलती। तुम दोनों अक्सर उस तालाब के पास जाकर खेलते। हाँ, मैंने पहचानता हूं हैरियट। हाँ, मेरे अपने बच्चे तो नहीं हुए। हैरियट ही मेरे लिए सब कुछ थी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट थी। मैं उसे ही अपनी बेटी मानता था। क्या हुआ उन्हें? मुझे लगता है उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ, यह है वेंगर फैमिली की फोटो, मिकेल, सब एक साथ। 22 सितंबर 1966 को पूरा परिवार यहां एक बोर्ड मीटिंग के लिए आया था, सब एक साथ। 30 लालची लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, और इन्हीं में से किसी ने उसे मारा है। हैरियट उस वक्त 16 साल की थी। उस दिन चिल्ड्रंस डे था। वो हेड स्ट्रीट के मेन स्ट्रीट पर परेड देखने गई थी। ये तस्वीर अखबार में छपी थी। 2 बजे हैरियट घर आ गई। वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, पर मैं बोर्ड मीटिंग को लेकर बिजी था। इस बात का आज भी मुझे अफसोस है। मौत कैसे हुई थी उनकी? कोई नहीं जानता, बस गायब हो गई। इसको जानने में आपने काफी मेहनत की है। मैं पिछले 40 साल से उस दिन के बारे में ही सोच रहा हूं। तुम कह सकते हो कि मैंने होमवर्क किया है। ठीक 2:15 बजे एक एक्सीडेंट हुआ। ब्रिज पर एक टैंकर ने अपना कंट्रोल खो दिया। लेन चेंज हो गई और टैंकर सामने आने वाली गाड़ी से टकरा गया। काफी बड़ा एक्सीडेंट था वो। ऑयल सारे रास्ते में फैल चुका था। ट्रैफिक को रोक दिया गया था। किसी को भी आइलैंड से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। इत्तेफाक से ये सब कोई उस वक्त कैमरे में कैद कर रहा था। वो खिड़की दिख रही है? वहां हैरियट आखिरी बार देखी गई थी। हेडस्टेट पुलिस के कमिश्नर मॉरेलिस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे। उन्हें यह फिल्म मिली और ये तस्वीर सामने आई। और ये वाली तस्वीर हैरियट की आखिरी तस्वीर है। हमने डिनर पर उसका इंतजार किया, पर वो आई ही नहीं। हेलो, हेलो एलिजाबेथ सैलेंडर। हाँ, बोल रही हूँ। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिस वेंसन बोल रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपको एक नए गार्डियन दिए जा रहे हैं। मेरे ऑलरेडी एक गार्डियन है, ये क्या चल रहा है? मेरी बात सुनिए, उनका नाम है निल्स ब्योरमन। आपके पुराने गार्डियन को स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, इसीलिए हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई एलिजाबेथ, आओ बैठो प्लीज। थैंक यू। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे तुम्हारा नया गार्जियन बनाया है, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे खर्चों पर नजर रखूं। यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने पैसों को संभालने का पूरा हक दिया गया है। तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो जानते हो कि मैं अब तुम्हारा गार्जियन हूँ, इसलिए तुम्हारे पैसों को संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। इसका मतलब समझ रही हो ना एलिजाबेथ? इसका मतलब ये है कि अगर तुम ज्यादा खर्च करोगी तो पैसे खत्म हो जाएंगे। मेरे पास एक नौकरी है, मैं अपने खर्चे आराम से निकाल सकती हूँ। हाँ, जानता हूँ तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करती हो। हाँ। काम क्या करती हो? लोगों के लिए कॉफी बनाना, फोटोकॉपीज बनाना। ओह, आई सी।
तो आपसे तुम्हारी जो भी सैलरी आएगी वो एक नए अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी, जिसे मैनेज मैं करूंगा। हर महीने की पहली तारीख को तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे दिए जाएंगे, उसके ऊपर जो अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो हमसे डिस्कशन करनी पड़ेगी। ओके तो अब बात करते हैं तुम्हारे हाइजीन के बारे में। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने जो इतनी पियर्सिंग करवा रखी है, तुम्हें इन्फेक्शन होने का डर नहीं लगता? बॉयफ्रेंड है कोई? नहीं। किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस? मैं 24 साल की हूं। मैं ये लिख सकता हूं कि तुम काफी कोऑपरेटिव रही हो, या फिर तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है, जिसके बाद तुम्हारा चैन से जीना इतना आसान नहीं रहेगा। तो बताओ, कितने लोगों के साथ तुम सो चुके हो? दो। दो? या 200 या फिर 2000। क्या मैं जा सकती हूं? सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? कोई फेवरेट स्टाइल है? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं भाग गई हो। टैंकर ने ब्रिज को 24 घंटों के लिए ब्लॉक कर रखा था, और आइलैंड से निकलने के लिए ये ब्रिज ही एक रास्ता है। तो हैरियट उस वक्त गायब हुई जब कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था? बिल्कुल सही। उसके गायब होने के अगले दिन हमें यह एहसास हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है, पर तब तक ब्रिज खुल चुका था और शायद हत्यारा उसकी बॉडी को ले जा चुका था। यही एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। हो सकता है खुदकुशी की हो, पानी में डूब गई हो। पानी में तलाश किया गया था, स्निफर डॉग्स के साथ हर जगह जांच की गई थी, डाइवर्स ने हर जगह देखा, पर किसी को कुछ नहीं मिला। मैं आज भी उसे हर दिन याद करता हूं। जब हैरियट 8 साल की थी तो उसने मुझे ये प्रेजेंट दिया था मेरे बर्थडे पर, एक ब्लू बेल। 1958 की बात है। उसके बाद हर साल वो मुझे कुछ न कुछ देती रही। फूलों से बहुत प्यार था उसे। 1966 यही वो साल था जब हैरियट गायब हुई थी। ये हमारा स्टोर रूम है। हर साल मुझे अपने बर्थडे पर दुनिया के अलग अलग कोने से ये फूल आते रहते हैं, हैरियट की याद दिलाते हैं। क्या लगता है आपको कौन भेजता होगा इन्हें? हैरियट का मर्डरर। तो मेरी फैमिली को नहीं जानते, लोग कुछ भी कर सकते हैं, और हैरियट सबसे आसान शिकार थी। उन भेड़ियों ने मिलकर उसे मार डाला, सब लोगों ने मिलकर। वो लोग तो मुझे भी खत्म कर देना चाहते थे। मैं अब 82 साल का हो चुका हूं। पुलिस भी अब मेरी मदद नहीं कर रही। बस मैं मरने से पहले इतना जानना चाहता हूं, हैरियट के साथ क्या हुआ था? क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैंने तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तुम एक काबिल रिपोर्टर हो, बहुत ही शातिर। नहीं, मैं तुम्हें ये केस सुलझाने को नहीं कह रहा हूं, पर तुम जो बन सके वो करो। तुम्हारी सजा आज से 6 महीने बाद शुरू हो रही है। माफ करना, पर जब आपने तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी इसके लिए। तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरा। बोलो, क्या फैसला किया तुमने? स्टॉकहोम वापस जाने की वजह भी नहीं तुम्हारे पास। हाय। मशहूर जर्नलिस्ट मिकेल ब्लोमक्विस्ट मिलेनियम को छोड़ रहा है और अब इस मैगजीन के लिए कभी काम नहीं करेगा। क्या सचमुच तुमने ये लिखा है? हाँ। और तुमने मुझसे बात तक नहीं की? सॉरी, पर यह फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। तो अब क्या करने वाले हो? मुझे हेनरिक वैंगर ने हेडस्टेड में काम दिया है। हेनरिक वैंगर? तो अब तुम दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे हो क्यों? वैंगर ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो तुम वहीं रहोगे? हाँ। यानी हेडस्टेड में? गुड लक। लैपटॉप, ये ठीक हो सकता है? हार्ड डिस्क बचा सकता हूं। ग्रेट। और बाकी का? कबाड़ी वाले को भेज दो, खुश हो जाएगा। हट। पर ये हुआ कैसे? अपना काम करो। तुम में से तो दारू की बदबू आ रही है। तुमसे तो जैसे गुलाब की खुशबू आ रही है। वहां मेरा पुराना कंप्यूटर पड़ा है, चाहो तो इस्तेमाल कर सकती हो, उसमें मैं बैकअप रखता हूं। वेलकम टू हेडबी। मौसम काफी सुहाना है, ठंड का भी अपना एक मजा है। लेकिन बहुत ज्यादा ठंड भी। तुमने कहा था कि तुम घर पर नहीं रहना चाहते। उम्मीद है यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। काफी ठंड बढ़ जाने पर पाइप फ्रीज हो जाता है, तो मेरे घर से पानी ला सकते हैं। आ गए सर, हम ये ले आए हैं। हाँ ले आओ, ये बॉक्सेस यहाँ लगा दो संभाल के। हाँ, इन बॉक्सेस में मेरी इकट्ठा की हुई रिपोर्ट्स हैं, मेरी इतने सालों की मेहनत। इनमें तुम्हें फोटोज मिलेंगी, पुलिस रिपोर्ट्स मिलेंगी और बाकी वो सारी चीजें जो तुम्हें काम आ सकती हैं। हैरियट की कुछ पर्सनल चीजें भी होंगी इसमें, तो काम शुरू कर दो।
आपके साथ बिताया हुआ वक्त आज भी याद आता है। क्या हुआ था आपको? देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है हमारी फौज। देखते हैं कौन आता है हमारे सामने। ये परिवार असल में खुश नहीं है। हम ज्यादातर एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन कंपनी की वजह से रिश्ता निभाना पड़ता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे। वो घर मेरे भाई का है। हम दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता था। तो आपके दोनों भाई रिचर्ड और हैरल्ड 30s में नाजी ग्रुप के मेंबर्स थे? क्या बात है, तुमने तो काफी होमवर्क कर लिया। मेरा तीसरा भाई भी हिटलर ग्रुप का सदस्य था। मेरे तीनों भाई नाजीस थे। रिचर्ड विंटर वॉर में मारा गया था। हैरोल्ड एक टिपिकल जर्मन ओल्ड मैन बन चुका है। वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। हैरोल्ड की बेटी सिसिलिया फिलहाल स्कॉटलैंड में है। सिसिलिया और हैरोल्ड के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। वो घर मार्टिन का है, हैरोल्ड का बेटा। मेरे बाद अब वही वेंगर ग्रुप को संभालता है। हेलो, तो आप हैं मशहूर जर्नलिस्ट काले ब्लूमक्विस्ट? मिकेल ही ठीक रहेगा। ठीक है। समझ में नहीं आता तुम्हारे जैसा नौजवान इस सुनसान जगह पर अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करना चाहता है। मार्टिन और हैरियट के पिता कॉटरफील्ड ने शराब और अय्याशी में ही अपनी जिंदगी गुजार दी। वो इसाबेल है, उससे बुरी मां किसी की नहीं हो सकती। मैंने जबरदस्ती हैरियट और मार्टिन को अपने पास बुला लिया। तो ये हैं असली वेंगर जो यहाँ रहते हैं। पर उस दिन यहाँ इससे कहीं ज्यादा लोग थे। सिसिलिया की बहन अनीता, जो कुछ साल पहले कैंसर की वजह से चल बसी, ग्रेगर वेंगर, उल्ड्रिका वेंगर। मुझे साफ साफ बताइए, आपको किस पर शक है? किसी पर नहीं, और सब पर है। तभी तो तुम्हें यहां बुलाया है। डियर डायरी, आज मुझे अपने अंकल हेनरिक ने ये बुक दी है। वो बहुत ही अच्छे हैं, पर अक्सर बिजी रहते हैं। वो जैसे ही अपने बिजनेस ट्रिप से लौटे, उन्होंने मुझे बुलाया और ये गिफ्ट दी। मुझे अपने पापा के घर पर बहुत ही अकेला लगता था। बस अनीता के घर लौटने का इंतजार है अब।
तो तुम ही हो जो मेरे परिवार के इतिहास को कुरेदने आए हो। माय गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया। सिसिलिया वैंगर, हेनरिक ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। मिकेल ब्लूमक्विस्ट, जानती हूँ, तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं। वो क्या है? हैरियट की बाइबल। वो अक्सर यहाँ आती थी मेरी बहन के साथ। अनीता? हाँ, हर रोज जब तक वो गायब नहीं हुई थी। और अजीब है कि उसके पिता की मौत भी यहीं हुई थी। गॉटफ्रीड यहाँ मरे थे? शराब पीकर, वो यहीं इस पानी में गिर गए थे। उन्हें ढूंढने में एक दिन लगा था। वहां पर मिले थे, वहां उस तरफ। ओह अच्छा। हैरियट के गायब होने से एक साल पहले। हेनरिक ने मुझे कहा था कि आप यहाँ नहीं थी। हाँ, पर मुझे वापस आना था हैरियट की बॉडी को छुपाने। हम कहाँ जा रहे? जब हम छोटे थे हमें यहाँ आना सख्त मना था। ओह थैंक यू। डियर डायरी, इस साल काफी ठंड पड़ी है, सब तरफ बर्फ जमी हुई है। मागदा 30112, सारा 32016, बीजे 32027, एलजे 31208, मारी 32018। पता नहीं हेनरिक वैंगर ने तुम्हें क्यों रखा है। सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता। सच कहूं तो इसकी कोई वजह नहीं है। ये करीब 40 साल पहले की घटना है और इसे सब भूल चुके हैं। पर आप नहीं, आपको हैरियट की डायरी मिली उसके पिता के घर। हाँ डायरी मिली थी, पर उससे क्या साबित कर सकते हैं हम। डायरी में 5 नंबर्स हैं, वो किसी के फोन नंबर्स भी हो सकते हैं। वो तो मुझे भी नहीं पता। 32 का क्या मतलब है? 32 एरिया कोड हो सकता है, पर उन नंबर्स के साथ जो नाम लिखे गए हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता है। क्या आपने नंबरों पर फोन करके देखा? हाँ, सालों पहले हमने फोन किए, एड्रेस ढूंढने की कोशिश की, सारे कॉम्बिनेशंस को यहाँ वहाँ जोड़ने की कोशिश की, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। दरअसल मेरी स्टडी के मुताबिक उसे धर्म ध्यान में बहुत ही दिलचस्पी थी। क्या ये बात सच हो सकती है? वैसे तो हर बच्चे को अपने धर्म के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण रहता ही है। अब उसमें अगर ऐसा था तो क्या बुरा है। अनीता उसकी सबसे करीबी दोस्त और कजन थी। अनीता सिसिलिया की बहन, राइट? वो तो कई सालों पहले मर चुकी है। हाँ, उसे मरे काफी वक्त गुजर चुका है। हैरियट मेरा पहला केस था और करीब पिछले 40 सालों से मैं इसके बारे में लगातार सोच रहा हूँ। 5 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा सोचना बेकार है। ये केस कभी सॉल्व नहीं हो सकता। तुम सिर्फ हेनरिक की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए हो। इस केस के पीछे इतना मत भागो कि तुम वापस कभी ना लौट पाओ। क्या काम कर रही हो? प्ले कॉलिंग लिजबेथ, प्ले कॉलिंग लिजबेथ। हेलो,
पर्सनल डायरी? मैग्दा। तो इस बार कौन है तुम्हारा बकरा? कोई नहीं है। फिर से यही जर्नलिस्ट? मुझे तो लगा कि तुम ये काम खत्म कर चुकी हो। थोड़ा काम बाकी है। और ये कब तक चलने वाला है? रुको, हैंग हो गया। नया कंप्यूटर? हाँ, मुझे अपने अकाउंट से 50,000 चाहिए। तुम्हें 50,000 का कंप्यूटर किस लिए चाहिए? वीडियो गेम्स और नेट सर्फिंग। हाँ, काफी वक्त गुजारती हो इंटरनेट पे। चैटिंग करती हो? सुनो लिज़बेथ, 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे सकता। प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक कंप्यूटर चाहिए अभी, और वो पैसे मेरे हैं। मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। मारो मुझे, चलो। तुम यही करना चाहती हो ना? एक बात समझ लो, तुमने जरा सा भी परेशान किया और तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अंदर करवा दूंगा। मैं तुम्हारे मेंटल इश्यूज के बारे में सब कुछ जानता हूं। और तुम्हारी वायलेंट हिस्ट्री की फाइल भी मेरे पास पड़ी हुई है। देखो, मुझे गलत मत समझो लिज़बेथ, जब तक मुझे तुमसे जो चाहिए वो मिलता रहेगा, तुम्हें भी मुझसे जो चाहिए वो मिलता रहेगा। ये 50,000 नहीं है। हाँ, पर नए कंप्यूटर के लिए काफी है। ये किसे देख रही है? कहा था कि हेडसेट कुरियर के एक फोटोग्राफर ने चिल्ड्रंस डे परेड की तस्वीरें ली। हाँ, परेड की भी और एक्सीडेंट की भी।
देखो पुरानी तस्वीरें तो सड़ गई हैं, हमने उसे डिजिटाइज नहीं किया इसलिए नेगेटिव संभाल कर रखा है नहीं फाइल्स में। चलो ढूंढते हैं 20s, 30s, 40s, 50s, 60s। एक फोटोग्राफर चिल्ड्रंस डे जैसे दिनों पर दिन के 10 से 20 रोल्स इस्तेमाल करता है और ये रहा चिल्ड्रंस डे सितंबर 1966। मुझे परेड की सिर्फ शुरुआत की तस्वीरें देखनी है। वो सब तुम्हें नहीं में मिलेंगी। क्या इन्हें किसी ऑर्डर में नहीं रखा गया है? अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद तुम्हें ऑर्डर में मिल जाए। वैसे यहाँ कोई नेगेटिव स्कैनर या लाइट टेबल है? नहीं। पिछले 38 सालों में हमें ये पहला क्लू मिला है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये उससे कहीं ज्यादा है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? वो किसी को देखकर डर रही हैं, पर वो किसे देख रही हैं? अपने मर्डरर को। मतलब वो वही कहीं था रास्ते के उस पार। वो हैरियट का हत्यारा ही है। मिकेल कॉफी लो। तो हैरियट के केस में कोई प्रोग्रेस, कोई दिलचस्प कहानी? मैंने तो अभी शुरुआत की है। लोग इस केस के पीछे पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, पर अगर सच पूछो तो मुझे जो भी मिला है उससे मैं यही कह सकता हूं कि कुछ साबित नहीं हो सकता। मुझे गलत मत समझना, पर क्या तुम्हें स्टॉकहोम में अपनों के साथ नहीं होना चाहिए? तुम्हें 6 महीनों में जेल जाना है। क्या तो, बोल रही हो? मिकेल दोस्त जैसा है, वो अपनी कहानी हमें बता सकता है। मुझे फंसाया गया था। मेरे एक पुराने दोस्त से मुझे कुछ सुराग मिले थे जिससे मेरा ध्यान मेनस्टॉर्म की कंपनी की तरफ गया। पॉलिश कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट लगे थे उनके काले कारनामे और उनके खिलाफ सारे सबूत मेरे पास थे। ऐसा तुमने सोचा था? राइट राइट। लेकिन ठीक उसके बाद मुझे एक और बेहतर स्टोरी मिली जिसमें इलीगल हथियार इन्वॉल्व थे और 60 मिलियन का फ्रॉड भी। वेनस्ट्रॉम उसमें अंदर तक जाने ही वाला था और मैंने जैसे ही ये स्टोरी पब्लिश की मेरे सारे सोर्स गायब हो गए। मुझे झूठा साबित करने के लिए उसने सब कुछ किया। मेरे पेपर वर्क, सारे डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए। सब कुछ झूठा साबित हुआ। तो तुम्हें असली रास्ते से भटकाने के लिए एक साजिश की गई थी, है ना? हाँ, शायद ये सच हो। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज दी जाए जिसमें सिर्फ सच्चाई हो तो?
और वो क्या हो सकता है? बुश मिल्स की सिंगल मॉल्ट स्कॉच, 24 इयर्स ओल्ड। पास्ट को भूल जाओ और प्रेजेंट को सेलिब्रेट करो। चीयर्स। 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 वाह। क्या कहते हो, एक आखिरी ग्लास वाइन का हो जाए? मेरे ख्याल से मैं काफी पी चुका हूं। ठीक है, थैंक यू, शाम बहुत मजेदार। क्या तुम इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे दूर ही रहते हो? ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हें मुझ पर भी शक है ना? आई एम श्योर मेरा नाम भी तुम्हारी उस लिस्ट में शामिल होगा। ऑल द बेस्ट। ब्योरमैन बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ। बोलो क्या हुआ? मुझे और पैसे चाहिए। ओह, उसके लिए हमें बात करनी होगी। मुझे अभी चाहिए। वेलकम। अपना कोट निकाल लो। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा, पिछली बार की तरह। उम्मीद है तुम्हें भी उतना ही मजा आया। अपने पैसे मांगने के लिए मैं तुम्हें खुश नहीं करने वाली। खुश नहीं करोगी? तो ठीक है, मैं उन्हें फोन करके बता देता हूँ कि तुमने मेरे घर आकर मुझे धमकी दी। फिर देखना कितनी जल्दी वो तुम्हें अंदर डालते। तुम्हारी बाकी की जिंदगी किसी पागल खाने में बिताना चाहती हो? बोलो क्या करना है? हाँ, ये हुई ना बात। हम सिर्फ अच्छा वक्त ही तो साथ बिता रहे हैं। आओ मेरे पास। जो तुम्हें सीखने होंगे।
तुम्हें मजा आएगा। से करीब 3 मील आगे है, आपको मिल जाएगा आगे। मेरे हस्बैंड कई साल पहले गुजर गए थे, अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। उन्होंने 24 सालों तक वुड शॉप में कारपेंटर का जॉब किया। वो सब बनाते थे, कबर्ड्स, बेड्स, बहुत कुछ। वो कैबिनेट देख रहे हो वहाँ, और वो लैंप भी। स्पंज केक खाओगे? ओह नहीं शुक्रिया,
क्या आपको याद है कि 1966 में आप हेडस्टेड गई थी? क्या कहा? 1966. हाँ, याद आया, हम हनीमून के लिए वहीं गए थे. क्या बात है, तो उस वक्त की खींची हुई तस्वीरें हैं आपके पास? हम कैंपिंग पर गए थे, तब की बात ही कुछ और थी. वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हॉलिडे था. पर शायद हर हनीमून वैसा ही होता है. फिर तो आपके पास तस्वीरें जरूर होंगी. हाँ बिल्कुल हैं. ऐसे कितने लोग होते हैं जो हनीमून पर तस्वीरें नहीं खींचते, बोलो. पहले दिन हम ट्रैकिंग करने गए थे. मेरे हस्बैंड को नेचर बहुत पसंद है. हम मीलों तक चलते रहे. ट्रैक पर कभी गए हो? अच्छा. हमारा हनीमून रोमांटिक कम और एडवेंचरस ज्यादा था. हाँ, ये देखो. हेडस्टेड ये रहा. देखो कितना अच्छा लग रहा है. और ये देखो एक परेड की तस्वीर. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बाहर जा रहा हूँ. लगता है तुमने मेरे रूल्स को समझा नहीं है. मुझसे पूछे बिना तुम यहाँ नहीं आ सकती. तुम्हें मुझसे मुझे छोड़ दो लिस्बेथ. मैंने कहा मुझे. हथकड़ी पहनने में मजा नहीं आता? अच्छा सिर्फ दूसरों को पहनाने में आता है ना. मुझे वो शो बहुत पसंद है और पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था. तुम्हारे पास काफी वक्त है ये सोचने के लिए पुलिस और मीडिया इस कॉपी को देखकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे. अब मैं बताऊंगी कि आगे क्या होगा.
होगा। अब से मैं अपना अकाउंट खुद संभालूंगी। तुम कोर्ट से कहोगी कि मुझे सारे हक वापस लौटा दिए जाएं। आगे क्या करना है वो ईमेल करके बता दूंगी, और तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। चैटिंग का शौक तुम्हें भी है ना? अगर की तो इसकी कॉपी हमारे शहर के सारे न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल के पास पहुंच जाएगी, और अगर मेरा एक्सीडेंट होता है या कोई मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है फिर भी यही होगा। सब कुछ साफ साफ समझ गए ना? तुमने सर नहीं हिलाया? गुड। मैंने पहले कभी टैटू नहीं बनाया, तो ज्यादा मत हिलो, दर्द होगा। हिलो मत। ब्लू स्वेटर में जो आदमी है वो इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। सॉरी, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। पिक्चर बहुत ब्लरी है। कोई और रास्ता है इसे साफ करने का? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करने के लिए थैंक्स। वस्प हैरियट के फोन नंबर्स पढ़ो और रो, मिकेल ब्लूमक्विस्ट। ये क्या हो सकता है? क्या
और अगर औरत किसी जानवर के पास जाए और वहाँ पर पड़ी रहे तो औरत और जानवर दोनों को मार देना चाहिए। और अगर किसी प्रीस्ट की बेटी का चरित्र खराब हो तो अपने साथ वो अपने पिता का भी नाम खराब कर दिए, ऐसे में उसे जिंदा जला देना चाहिए। मारी 30218, मागदा 30112, चैप्टर 1 वर्स 27। वो दो कबूतरों को ले जाएगी, एक हलाल के लिए और एक पाप को धोने के लिए। चैप्टर 25, पुरुष और एक स्त्री सिर्फ शरीर है, आत्मा अमर है, उन्हें शरीर को तो एक दिन जाना ही है, उन्हें पत्थर से मार देना चाहिए, उन्हें मरना होगा। मौत तो एक दिन आनी ही है। क्या हुआ? हेनरिक बेहोश हो गए हैं, हार्ट अटैक था। डॉक्टर थोड़ी देर बाद आएंगे, आप इंतजार कीजिए। जी शुक्रिया। हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी हो रही है। बचने के कितने चांसेस हैं? इस उम्र में बाईपास करने का मतलब है कि हालत नाजुक। कॉफी पीना चाहेंगे? नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ये इन्वेस्टिगेशन। क्यों, मेरे अलावा कोई और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? नहीं, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है इस पर। एक्चुअली किसी ने मेरा कंप्यूटर हैक किया है, किसी ने वॉस्प के नाम से मेरी ही फाइल को अपडेट कर मुझे भेजा है, और ये कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता। और अब तो वॉस्प ने मेरी पूरी हार्ड डिस्क देख ली है। क्या आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं?
अच्छा तो इस वक्त आप वहीं हैं? क्या मैं वहां आकर आपसे मिल सकता हूं? लिज़बेथ सलांटा मेरे साथ ही है। ठीक है ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूं। बाय। तुम्हें तो इस केस के बारे में सब कुछ पता चल ही गया होगा, कोई और जानकारी चाहिए? नहीं। सुनो, अगर इन कोड्स का बाइबल के साथ कुछ भी लेना देना नहीं हुआ तो, और ये कोड सारा नाम की लड़की से जुड़ा हुआ हो जो 1962 में वेल्मिया में मरी हुई पाई गई थी अपने घर के लॉन में, तो सारा और क्या क्या लिखा है? और उसकी बॉडी 2 बजे से 3 बजे के बीच में पाई गई थी और उसे धर्म के नाम पे मारा गया था। पुलिस ने इसे ज्यादा और कुछ नहीं कहा। इसमें और ज्यादा डिटेल्स नहीं है इस बारे में। उसे धर्म के नाम पर मारा गया था, क्या उन्हें मर्डरर मिला था? नहीं, पुलिस ने केस ही बंद कर दिया था। काफी लंबी रिसर्च हो सकती है। तो देर किस बात की है? ये जगह कितनी दूर है? कार से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम ड्राइव करना चाहोगी? मैं क्यों? डिवोर्स के बाद मैंने ड्राइव नहीं किया तो। डरो मत, सीधा एक्सीलेटर दबाओ। लड़कियों के नाम सर्च इंजन पर डालते ही पोर्न साइट्स खुलती हैं। तुम क्या ढूंढ रही हो? सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के डेटाबेस को ढूंढ रही हूँ। बारिश में मत भीगो, जल्दी इस तरफ आ जाओ। जो हुआ उसके बाद वो परिवार इस फॉर्म हाउस को बचा नहीं पाया, तब से ये यूं ही खाली है। वो यहाँ इस अस्तबल में मिली थी? हाँ, उसके पति ने ढूंढा था उसे। बेचारा सह नहीं पाया अपनी बीवी की मौत की खबर। बड़ी दर्दनाक मौत थी। वो यहीं पर बंधी हुई थी। तुम्हें कैसे पता? अगर औरत किसी जानवर के पास जाए और वहां पड़ी रहे तो औरत और जानवर दोनों को मार देना चाहिए। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर दूसरी बातें भी मैच कर गई तो
मुझे एक टीवी प्रोग्राम के बारे में पता चला है। 1999 में उन्होंने एक प्रोग्राम दिखाया था वॉमलैंड मर्डर के बारे में। क्या दिखाया था? स्वीडिश मर्डर सीरीज में अब डलाना की मागदा लुईविजा सोबर्ग की बारी है। इंटरेस्टिंग है। मागदा एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने 1954 में पुलिस को सदमे में डाल दिया था। मागदा का रेफरेंस नंबर उस वक्त क्या था? लेविटिकस चैप्टर 1:12। उसके सिर और किडनी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे और प्रीस्ट उसे सख्त सजा देकर लकड़ियों पर रख के उसे जला देंगे। क्या उसमें यही लिखा था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जहां तक मैं बता सकता हूं, एक फार्मर ने वहां से धुआं उठते देखा था। उसे लगा कि बच्चे लकड़ियां जलाकर खेल रहे हैं। हाँ, लिखा है कि उसके शरीर से चमड़ी और कुछ बाल अलग किए गए हैं। बताने के लिए शुक्रिया। क्या कर रही हो तुम? तुम ठीक तो? मैं बस तुम्हें उठाना चाहता था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये लो तुम्हारा बैग। तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूं। पीजी के लिए मुझे कोई मैच नहीं मिल रहा, लेकिन एलआई लाइव इन वर्टसन हो सकती है। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, एंगी के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ही गायब हो गई थी। वो कोटेशन क्या था? उसे दो सफेद कबूतर लेने चाहिए, एक जलाने के लिए और एक दूसरा पाप को चढ़ाने के लिए। प्रीस्ट को उसके लिए पूजा करनी होगी, उसके बाद ही उसका गुनाह माफ होगा। गुनाह माफ? हो सकता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट हो। तुम्हें कुछ और भी मिला? हाँ, एक और केस मिला है। क्या है? एक 17 साल की लड़की उपसाला से। कब की बात है? 1964। मारी का मर्डरर फरार, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये देखो, तो हमें सारा, मारी, मैगदा और एलजे सब की केसेस मिल गए। चार मर्डरर्स, बस वही नहीं मिला जिसे हैरियट ने मार्क किया था, पीजे। हैरियट उन सबको नहीं जान सकती। लिव की हत्या 1949 में हुई और हैरियट का जन्म 1950 में हुआ। कोई लिंक ही नहीं है। उसने उन लड़कियों की लिस्ट बनाई जिनका मर्डर हुआ था। शायद वो खूनी को जानती थी। हाँ, क्या हुआ?
कोई आया था। फोटोज को रीअरेंज किया गया है, बाइबल को हटा दिया गया है, ये देख रहे हो? कोई जबरदस्ती करके घुसा है। कोई चाहता है कि हम ये सब रोक दें। कल मैं लॉक बदल दूंगा। लिज़बेथ, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है ना? I'm sorry, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है तो ये अच्छी बात है ना? काश मेरे पास भी ये टैलेंट होता। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ठीक से सोई? मैं हेनरिक को मिलने जा रहा हूं, आना चाहोगी? मुझे हॉस्पिटल से नफरत है। ओके। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो आखिरी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे उसका नाम क्या था? बीजे। ओह, तो डॉक्टर मोरेल, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर मोरेल, डॉक्टर मोरेल,
ये क्या रिसर्च करके लाए हो तुम? 5 मर्डर्स? तो फिर वो फोन नंबर्स नहीं थे? हाँ, लेकिन इस रिसर्च में मैं अकेला नहीं था। हमें अभी भी आखिरी लड़की के बारे में पता लगाना है। उसका नाम बीजे था। हैरियट ने सिर्फ उसी के नाम पर सर्कल बनाया है। ये रहा आखिरी कोट। अगर किसी लड़की का नाम बीजे है तो उसका मर्डर 50s या 60s में हुआ था, तब उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। तुम जानते हो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर पहला मर्डर 49 में हुआ था तो इसका मतलब यह है कि जो इंसान हेनरी को फूल भेज रहा है वो जरूर एक बुढ़ा इंसान है। मतलब हमारे शक का दायरा अपने आप छोटा हो जाता है। मिकेल, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बैठो। हेराल्ड आ नहीं पाए क्योंकि वो शिकार पर गए हैं। पर मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? क्यों, आजकल क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो? नहीं, मैं बाहर था। हेडबी में तुम्हें लेकर जबरदस्त चीजें लिखी जा रही हैं कि तुम शहर से दूर एक जवान लड़की के साथ फरार हो। इसमें नया कुछ नहीं। को समझो, इसमें हमारा नाम खराब हो रहा है। हेनरिक बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। मैं हेनरिक के लिए जो काम कर रहा हूँ उसका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना है। अगर इसका असर पूरे ग्रुप पर पड़े, वेंगर फैमिली, तुमने पहले ही कम मुसीबतें खड़ी की हैं। अब मेरी बेटी के मौत को कब्र से निकाल कर तुम हेनरिक को हार्ट अटैक देना चाहते हो? तुम इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो। कहना क्या चाहते हो? तुमने यहाँ आकर हमारे लिए और खुद के लिए मामला खराब किया। माँ, प्लीज शांत हो जाइए। देखो, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन ठीक थी, पर अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। हेनरिक को मेरी जरूरत है। मिकेल, बात को समझने की। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा, पर मिकेल और हेनरिक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जब तक हेनरिक जिंदा है, मिकेल को अपना इन्वेस्टिगेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। मिकेल की मर्जी के खिलाफ उसे इन्वेस्टिगेशन पूरा करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, मेरा परिवार कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज है ना। तुम्हें ये पेंडेंट कहां से मिला? ये क्यों पूछ रहे हो? हैरियट जिस दिन गायब हुई थी उसने ये पहना हुआ था और अब ये तुम्हारे गले में है। तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ। मुझे ये अनीता से मिला है। ये उसे नामकरण के दिन मिला था और ये कभी भी हैरियट का नहीं था। अनीता, तुम्हारी बहन। मिकेल, hey मिकेल, इधर आओ। शायद अनीता ही हैरियट है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ये तुम कैसे कह सकते हो? दोनों मेरे साथ खेला करती थीं, पर ये पेंडेंट अनीता का था, हैरियट का नहीं। तुम सही कह रहे हो, दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। हम अनीता वेंगर के बारे में क्या जानते हैं? इतना ही कि अनीता हैरिट की कजिन और बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों छुट्टियां साथ ही बिताते थे। हैरिट की मौत के बाद वो पढ़ाई करने लंदन चली गई। उसने अपने करियर में खूब नाम कमाया और ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 37 साल की उम्र में मर गई। मतलब वो 20 साल पहले मर चुकी है। उसने मोरेल को नहीं बताया कि वही उसकी लड़की के पास थी। जानबूझकर ना बताया हो? शायद वो मर्डरर का साथ दे रही हो। हाँ, हाय प्लीग, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम अनीता वैंकर पर मुझे डिटेल्स निकाल के दे सकते हो? प्लेग, उसके अलावा और कोई ये जानकारी नहीं निकाल सकता।
ये सब कैसे हुआ? किसी ने छिपकर गोली चलाई। दर्द हो रहा है ना? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को हमारा साथ रहना पसंद नहीं। मेरा मोबाइल कहाँ है? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इसमें पुलिस क्या कर लेगी? मुझे मेरा फोन दो प्लीज। खुद ढूंढ लो अपना फोन। लिज़बेथ। इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए मिकेल। क्या कहना चाहते हो? वो गोली किसी शिकार के लिए भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता। अगर वो एक हंटिंग एक्सीडेंट नहीं होता तो तुम यहाँ जिंदा खड़े नहीं रहते। तुम्हें स्टॉकहोम वापस चले जाना चाहिए, कम से कम कुछ दिनों के लिए। मैं जब से यहाँ आया हूँ सब मुझे वापस भेजने की फिराक में है। मैं बीजे को ढूंढे बगैर घर नहीं जाऊंगा। मैंने बीजे को ढूंढने की कोशिश की पर मैं नाकाम रहा। मेरी तलाश अब भी जारी है। मैंने 6 ऑप्टिकल कैमरा फिक्स किए हैं, मोशन डिटेक्टर्स को लगाने की कोशिश भी कर रही हूँ। पूरा घर कवर हो चुका है। फैंटास्टिक। तुम वापस जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पूरा घर वीडियो पर है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हो? अपने बेड पर जाकर सो। क्या हुआ था तुम्हें? क्या तुम पहले से ही ऐसी थी? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। हाँ, और जान भी नहीं पाओगे। कौन है? मोरेल हूँ। मैंने आखिरी वाले सराग को ढूंढ लिया, रेबेका जैकबसन। उसे बी केन के नाम से भी जानते थे। बीजे? इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। आत्मा अमर है पर एक पुरुष और एक स्त्री को कभी ना कभी मरना ही पड़ता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला एक ना एक दिन जरूर मरता है। तो ये है वो। कहाँ मारा गया था इसे? काउस्टड में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेबेका वेंगर ग्रुप के लिए काम करती थी और उसकी मौत 1965 में हुई थी। वो गॉटफील्ड वेंगर की सेक्रेटरी थी। गॉटफील्ड हैरिट के गायब होने से पहले ही मर चुका था। वो मैं भी जानता हूँ पर हमारा मकसद है ये पता लगाना कि उसका वेंगर फैमिली से कोई कॉन्टेक्ट था या नहीं। एक मिनट रुको रुको। क्या हुआ? रेबेका और सारा जोश नाम है और मगदा भी। मागदलीना। मरी भी मरिया है लेकिन लिव। लिव। लेवा का मतलब लाइफ होता है। लिव इन वाटसन भी जरूर जोश थी। जातिवाद हत्याएं, ये जरूर किसी धर्म से जुड़े आदमी का काम है। पर हैरिट का क्या?
हैरियट की मौत हुई क्योंकि उसने ये कनेक्शन ढूंढ लिया था। हमने इसे कैसे नजरअंदाज कर दिया? तीन जोश नाम वैंगर फैमिली में तीन नाजीज थे और जब हैरियट की मौत हुई तब सिर्फ एक ही जिंदा था। हराल्ड, लगता है वही तुम पर गोली चलाने आया था जब तुम उस जंगल में जॉगिंग करने गए थे। पहला मर्डर 1949 में हुआ, फिर दहारना और विहलमिया में, फिर उपसला। अगर हेराल्ड होता तो सबूत जरूर छोड़ता। कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है वैंगर ग्रुप की ओर से। वो एक सेल्समैन बनकर कंपनी के पैसों से ट्रैवल करता था, इसका मतलब रेस्टोरेंट्स और बार्स के कुछ बिल जरूर होंगे। तो उसने मर्डर्स करने के लिए सारे खर्चे कंपनी से क्लेम किए होंगे। यकीन करो, मैं जानता हूँ कि बिजनेसमैन का दिमाग कैसे चलता है। अगर हम ये भी साबित कर ले कि वो उन जगहों पर था, फिर भी ये काफी नहीं होगा। क्या वो शिकार पर गया होगा? उसके घर में कुछ न कह रहा था। पीछे तो नहीं जा रहे हैं या फिर कहीं किसी गलत दिशा में? हमें अकाउंट्स देखने हैं 1949 से 1966 तक। शुक्र है हेनरी की आदत है पुरानी चीजों को संभाल के रखना, वरना किसी और कंपनी में रद्दी में दे दी जाती। तो तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। वैसे मैं सालांदर, आप लोगों को अब तक क्या क्या सुराग मिला है? मदद के लिए शुक्रिया, मुझे बस इतना ही चाहिए था। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? बोलो, यहाँ पर किस लिए आए हो? गोली मत चलाना। अब शायद तुम पूरी दुनिया को मेरे बारे में बता दोगे, है ना? तुम्हारे अंदर वो घटिया समाज सेवक रहता है। रुको, मेरी बात सुनो, गोली मत चलाना। तुम मेरे घर में घुस आए हो, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, इसका मुझे पूरा हक है। ये सब हो क्या रहा है यहाँ? हिलना मत। बंदूक नीचे रखिए हेराल्ड, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम भी इसमें मत बोलो, चुप रहो मार्टिन। लाइए बंदूक, मुझे दीजिए दीजिए। तुम ठीक हो? मैं हमेशा सोचता था क्या गॉडफ्रेड के बेटे में हमारा खून है।
बिजली के बिल्स कहाँ है? ये काम का हो सकता है। हमें मुराल को फोन करना चाहिए। मेरे घर से कर लेंगे। हेराल्ड कहीं नहीं जाएंगे। चलो। अब ठीक लग रहा है? मैं वाकई डर गया था। हेराल्ड से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम उनके घर में क्या करने गए थे? हैरियट जातिवाद से जुड़े उन हत्याओं के बारे में जानती थी जो 1940 से 1960 के बीच हुए, और उसने उस कनेक्शन को ढूंढ लिया था जो पुलिस को भी नहीं मिला था। लगता है इसी वजह से उसकी हत्या हुई। हाँ, पर ये सब जान के बहुत अजीब लग रहा है। हमें मरे हुए लोगों के बीच एक कनेक्शन मिला था। सबके नाम जूश थे। लेकिन हेराल्ड कोई ट्राइब ऑफ अब्राहम का हिस्सा नहीं है। मुझे लगा वो यहां पर नहीं है, इसलिए मैं अंदर गया, सोचा अगर कुछ मिल जाए। और मैं नहीं जानता कुछ है या नहीं, पर कुछ मिलता उससे पहले वो आ गए थे, लेकिन उन्हें देखकर यह जरूर लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। मुझे इन सबसे दूरी रखो। अगर लिजबेथ उनके सारे बिजनेस एक्सपेंसेस को ट्रैक डाउन कर सके, जैसे कि होटल बिल्स, रेस्टोरेंट्स, तो हमारे पास हेराल्ड के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, मैं पुलिस को बुलाता हूं। मिस्टर मुराल से ही बात करिएगा। वैसे हेराल्ड के घर तुम क्या कर रहे थे?
चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, यहां तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्यों मार्टिन? क्या क्यों? ये सब क्यों? क्यों नहीं, मैं वही कर रहा हूं जो मेरा मकसद है, जो मैं पाना चाहता हूं। तो अब तक कितनी लड़कियों को इस तरह? नहीं जानता, मैं तो गिनती भी भूल चुका हूं। जब हम खाना खा रहे थे तब भी एक लड़की इस पिंजरे में बंद थी, एक रशियन लड़की। ऐसी लड़कियां गायब होती रहती हैं और उनकी परवाह कोई नहीं करता। वो सारी लड़कियां अच्छी नहीं होती। कमीना कहीं का तो तुम उन्हें क्यों मारते हो, और इन मौत का बाइबल के कोट्स के साथ क्या संबंध है? वो सारे बाइबल के रेफरेंसेस मेरे पिता के थे, मैं सिर्फ उनका फायदा उठाता आया हूं, और क्यों ना उठाऊं। बॉडी को यूं ही छोड़ देना बहुत रिस्की होता है। मैं उन्हें अपनी बोट में ले जाता हूं और समंदर में फेंक देता हूं। मिकेल, मैरी को मैंने सबसे पहले मारा था 1964 में। वो 16 साल की थी। तब पिताजी ने मुझे सिखाया था कि गला कैसे घोटा जाता है। तुम ऐसा क्यों करते थे? उनके साथ सेक्स करने के लिए। वो मना करती और मैं उनका रेप करता, और रेप के बाद मैं अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, और उनकी आंखों में जो नफरत पैदा होती थी उससे मुझे बहुत प्यार था। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर। ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो सब जानती थी कि वो मरने वाली हैं, पर किसी वजह से उन्हें लगता था कि शायद मैं रहम खाकर उन्हें छोड़ दूंगा, और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना मुझे अच्छा लगता था। जब आखिर में उन्हें पता चलता कि उनकी मौत तय है, उनकी आंखों में खौफ देखने लायक होता था, और उन्हें मरते देख मुझे बहुत सुकून मिलता था। और तुम्हारी अपनी बहन, क्या उसे मारते हुए भी तुम्हें सुकून मिला था? हैरियट गायब हो गई थी। और तुम चाहते हो कि मैं ये बात मान लूं? तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। मैं उसे शौक से मारता और मुझे मजा भी आता, लेकिन वो गायब हो गई, जैसे अब तुम होने वाले हो।
पानी पीना चाहोगे? थैंक्स। देखा, तुम भी बाकियों की तरह ही हो। मैंने तुम्हें पानी क्या पिला दिया, तुम्हारे मन में भी उम्मीद जाग गई कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डरो मत, जल्द ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बस थोड़ी देर इंतजार करो। डर लग रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मारूंगा। मुझे मारने की तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। डरो मत, तुम ठीक तो? मुझे बचा बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे। मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो।
अब वो नहीं आएगा। क्या मतलब? उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। वो मर गया। मर गया है, तुमने मार दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, तुम सबको यही कहोगे, ओके? ब्लूमक्विस्ट, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? बेसमेंट में जाकर देख लो। घबराओ मत, तुमने उसे नहीं मारा। उसके कर्म ही ऐसे थे। जब वो 16 साल का था तब उसके पिता से वो हत्या करना सीखा था, और ऐसी जिंदगी जो जीता है उसकी मौत भी वैसी ही होती है। ये सब फालतू की बातें करना छोड़ो। वो तुम्हें मारने वाला था। वो उन मासूम लड़कियों को अपनी अय्याशियों के लिए मारता था, और इसीलिए मैंने उसे मार डाला। उसे मौत मैंने दी है क्योंकि वो औरतों से नफरत करता था। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। वो मरा कैसे? चल के मर गया। तुम उसे बचा सकती थी ना? हाँ। पर तुम उधर खड़ी उसे जलता देखते रही। हाँ। लिज़बेथ में ऐसा कभी नहीं कर पाता, पर मैं समझ सकता हूं तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं जानता तुम किन हालातों से गुजरी, पर इतना जानता हूं अगर तुम सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं तुमसे तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। बस खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो।
पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो अब अभी यह खत्म नहीं हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हैरियट को मार्टिन ने नहीं मारा। क्या कह रहे हो? मार्टिन ने नहीं मारा। लिज़बेथ, लिज़बेथ, अनीता वैंगर नाम की दो लड़कियां हैं। एक की मौत लंदन में हुई थी और दूसरी वाली ऑस्ट्रेलिया में रहती है 1966 से। हैरियट वैंगर, हैरियट वैंगर ही हो ना? क्या बोल रहा है ये? क्या हम पहले मिल चुके हैं? एक्चुअली हाँ, जब मैं छोटा था तो आप और आपकी कजिन मुझे बेबीसिट किया करते थे, पर मैं यहां हेनरिक वैंगर की ओर से आया हूं। क्या वो जानते हैं कि मैं जिंदा हूं? अभी तक तो नहीं। मैं एग्नियत सिलेंडर से मिलना चाहती हूँ। क्या कहूँ, कौन मिलने आया है? उनकी बेटी। उनकी बेटी? आपको पहले कभी नहीं देखा? ठीक है, मैं इन्फॉर्म करती हूँ, पर आप उनकी हालत जानती है ना? कैसी हो मामा? मामा, मैं हूं लिज़बेथ।
लिज़बेथ। तुम सच में लिज़बेथ हो। मैं आपको कई दिनों से मिलना चाहती थी। तुम कितनी बदल गई हो। तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। क्या तुमने शादी की? नहीं, पर कोई है। पर मैं उसके प्यार में नहीं पड़ूंगी। आप ही से ये सबक सीखी हूं। सही सोच रही ना मामा? काश तुम्हारे लिए अच्छे पापा ढूंढ पाती। मामा, तुम हो ना काफी है। मामा, कम इन। मिकेल, तुम वापस आ गए। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है हेनरिक, पर वादा कीजिए आपको दूसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा। दूसरा हार्ट अटैक? मुझे नहीं लगता मेरा शरीर अब एक भी झटका बर्दाश्त करने के लायक बचा है। हैरियट, और अगले साल वो मुझे अपने फार्म हाउस ले गया। वहां पर मार्टिन आया और उसने भी मेरे साथ वही कुछ किया जो पापा करते थे। मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती थी, पर एक दिन मुझसे सहा नहीं गया। पापा हमेशा की तरह नशे में धुत थे। वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े और मैं अपनी जान बचाने के लिए डॉग की तरफ भागी, क्योंकि मैं जानती थी कि हत्या करना उनके शौक में शामिल है। वो मारते समय बाइबल पढ़ा करते थे और जिन लड़कियों को उन्होंने मारा उस पर नाश किया करते थे, और आज मुझे मेरे सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। मैंने बोट का चप्पू लिया और उनके सिर पे जोर से दे मारा। जब तक उनकी सांसें बंद नहीं हो गई, मैंने उन्हें पानी से बाहर नहीं आने दिया।
फिर मैंने बोट को डॉक से काफी दूर हटा दिया ताकि वो एक एक्सीडेंट लगे, पर जब मैं मुड़ी तो मैंने वहां मार्टिन को देखा। मार्टिन ने सब कुछ देख लिया था। उसके बाद मार्टिन ने मुझसे मेरे बाप से भी ज्यादा बुरा सलूक किया। आपने उसे उपसाला के बोर्डिंग स्कूल में भेजा था ना, लेकिन वो चिल्ड्रंस डे पर लौट आया। मैं डर गई थी कहीं फिर से वो सब ना शुरू हो जाए। इसलिए तुम अनीता के पास गई? अनीता ने ही तो यहां से भागने में मेरी मदद की। ब्रिज के खुलते ही वो मुझे किसी गाड़ी में बैठाकर दूर ले गई। ढेर सारे बॉक्सेस थे जिनमें बहुत सारे ब्लैंकेट्स थे। मैं उनके अंदर छुपके भाग निकली। मुझे आपकी बहुत याद आई थी। मैं ही आपको हर साल फूल भेजती थी इस उम्मीद में कि आपको लगे कि मैं जिंदा हूं। लेकिन मिकेल ने बताया कि आप उस फूल भेजने वाले को कोई और ही समझ रहे थे। लेकिन अगर तुम वो फूल नहीं भेजती तो आज मेरे सामने नहीं बैठी होती। लिजबेथ, मैं मिकेल बोल रहा हूं। मैसेज मिल जाए वैसे ही कॉल करना, और उम्मीद करता हूं तुम ठीक होगी। आई मिस यू। तुमसे कोई मिलने आया है? सिर्फ आधा घंटा। थैंक यू। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये लो। ये क्या है? कुछ किताबें। क्या तुम कुछ देर बैठोगी? नहीं, मैं सिर्फ ये देने आई थी। ओके। छह हफ्तों बाद मैं छूट जाऊंगा। सबका कोई ना कोई राज होता है। कॉम्प्लिकेटेड केस में वेनस स्ट्रॉम ग्रुप के कई दूसरे ग्रुप्स में पैसे लगे होने की बात सामने आई है। दोषी पाए गए जर्नलिस्ट मिकेल ब्लॉमक्विस्ट ने एक बार फिर वेनस स्ट्रॉम पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका कहना है कि उनकी कंपनी हथियारों की स्मगलिंग में शामिल थी। मिलेनियम के इस इशू में वेनस्ट्रॉम पर ऐसे कई आरोप लगाए गए हैं जहां उन्होंने पूरी दुनिया में कई इलीगल डीलिंग्स की हैं। मिस्टर ब्लूम को इस आजादी मुबारक। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है इनका क्या बस होगा? मेरी बेगुनाही साबित हो गई और काले कांड करने वाले जेल के पीछे जाए। ब्लॉमक्विस्ट ने कहा है कि वो ड्रग्स और इलीगल हथियारों का ट्रैफिकिंग करते थे। मिलेनियम मैगजीन के जर्नलिस्ट का ये दावा सच साबित हुआ। फाइनेंशियल वेलस्ट्रॉम की लाश मार्बेला के एक फ्लैट में आज सुबह मिली। घर की सफाई करने वाली औरत को 44 साल के इस फाइनेंशियल की लाश दिखी। उन्होंने सुसाइड किया था। पुलिस ने उनके सारे अकाउंट्स की जांच की और पता चला है केमन आइलैंड्स में वेनस्ट्रॉम के एक गुप्त अकाउंट से करोड़ों रुपए इलीगल काम के लिए कैश में निकाले गए थे। हमारे संवाददाता के मुताबिक पुलिस अब भी उस कैश की तलाश में है और पुलिस को इस वक्त उस लड़की की भी तलाश है जो पैसे लेकर बैंक से निकली लेकिन सीसीटीवी कैमरा से नहीं बच पाई। आगे की खबरें आप देखते रहिए। Lisbeth.
Thank you.